गिल और सूर्या समेत ये पांच खिलाड़ी जो टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े गुनाहगार, अब करना होगा भारत को चार साल का इंतजार। जिस बल्लेबाज के अंदर ना अनुभव की कमी है ना काबिलियत की, वो रविंद्र जडेजा भारत के इतने बड़े फाइनल मैच में ऐसे आउट हुए कि पूरा भारत हो गया निराश। जिस सूर्य कुमार यादव को भारत का मैनेजमेंट इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया, जिसने पूरा भारत उम्मीद लगाकर बैठा था, उस सूर्या ने फिर से तोड़ दिया भारत का दिल। अब मौका मिलना मुश्किल। भारत के हार का वो पांच गुनहगार के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने अगर नहीं की होती गलतियां तो भारत जीत जाता मुकाबला। टीम इंडिया को एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और इसी साल जून में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में हार मिली थी और अब साल खत्म होते होते वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में हार मिली है। दोनों बार सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और दोनों ही बार सामने ट्रेविस हेड थे। WTC फाइनल में ट्रेविस हेड ने शतक जड़ा और यहां भी उनके ही बल्ले से तीन अंक वाला जादुई स्कोर आया। हालांकि यहां हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में मिली हार के गुनहगार कौन कौन है, क्योंकि अब अगले वर्ल्ड कप के लिए चार साल का इंतजार करना होगा जो 2027 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में टीम इंडिया को मिली हार के सबसे बड़े गुनहगार सुमन गिल हैं, जो सात गेंद में चार रन बनाकर आउट हो गए। आउट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से खराब शॉट वो खेलकर पवेलियन लौटे हैं उसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा उनको इस ग्राउंड से प्यार रहा और उनका प्रदर्शन यहां अच्छा रहा, लेकिन जल्दबाजी करते हुए वे आउट हो गए। और यहां तक कि रोहित शर्मा तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन वे चौके मारने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। दूसरा गुनहगार टीम इंडिया के लिए दूसरे सबसे बड़े गुनहगार रविंद्र जडेजा कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहां खेलना पसंद किया था और हालांकि वे ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से प्रभाव छोड़ सके, वे नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे, 22 गेंद में रनर बनाकर आउट हो गए। वे आगे निकलकर गेंद को रोकने के चक्कर में आउट हुए, वहीं गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 10 ओवर करने के बावजूद उनका लगातार दो मैच में विकेट नहीं मिला। तीसरे गुनहगार टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार के तीसरे सबसे बड़े गुनहगार सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने बैक किया, लेकिन उन्होंने टीम को निराश किया। ऐसा लग रहा था कि उनको बस पीछे ही खेलना आता है और वे इसी के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए इसी ट्रैप में वो फंस गए और ऑस्ट्रेलिया के इसी ट्रैप में वो फंस गए। उन्होंने 28 गेंद पर एक चौके की मदद से 18 रन बनाए और पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे। उनको बीच में ही मौका मिला था, लेकिन उनके एक पारी में भी अशतक नहीं जड़ पाए। चौथा सबसे बड़ा गुनहगार मोहम्मद सिराज, भारतीय टीम के हार के चौथे सबसे बड़े जिम्मेदार खिलाड़ी मोहम्मद सिराज रहे, क्योंकि उनसे टीम को उम्मीद थी कि बीच के ओवर में पेस और वैरायटी से विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिराज ने 7 ओवर फेंके और कुल 45 रन लुटाए। वे एक भी बार किसी खिलाड़ी को तंग नहीं कर पाए। अगर सिराज नहीं चलेंगे और टीम इंडिया 5 गेंदबाज के साथ खेलेगी तो जीतना तो दूर की बात है। पांचवा सबसे बड़ा गुनहगार, सेमीफाइनल मैच में शतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर ने भी फाइनल मैच में निराश किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में उनका यही हाल हुआ था और फाइनल मैच में भी श्रेयस अय्यर के पास ऑस्ट्रेलिया का तोड़ नहीं था। श्रेयस अय्यर एक चौका जड़े और वे 60 गेंद पर विकेट के पीछे आउट हो गए। टीम इंडिया ने पहली पारी में बल्लेबाजी की और सिर्फ 240 रन ही बना सके। वैसे क्या ये पांच गुनहगार वास्तव में टीम इंडिया के हार के सबसे बड़े कारण है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए। बने रहिए जीटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।